रोहित मौर्य, सुपर पार्षद पति। रोहित जी, जनता का कहना है कि करीब महीनों से ये सड़क है, इसमें मलबा डाल दिया जाता है और धीरे 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 बैठ रहा है यहाँ की सड़क। अभी जो है शिवपुर में दो जगह सड़क बैठ रही है, वहाँ पिछले दिनों जैसे शिवपुर में जो सीवर लाइन पड़ी है, लगभग पिछले एक वर्ष में 14-15 जो जगह जो गड्ढे बन रहे थे, बैठ रहे थे सड़कें, और जो सीवर लाइन ध्वस्त थे उसको 14-15 जगह मरम्मत किया गया। अभी 2 पॉइंट जगह सड़क बैठ रही है, ये भी जल्दी खुदाई होकर इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। अभी लोग सशंकित हैं, कहीं मकान न गिर जाए लोगों का, एक महीने से परेशान है। क्या इसकी जानकारी आपने विभागीय अधिकारियों को दी थी? विभाग के सारे अधिकारी जानकारी है, LNT के HCN को, AE को, JE को समय समय पर पूरा जानकारी दे दिया गया है। अधिकारियों से बात भी हुई है, अधिकारी ने कहा कि दो जगह इसको खुदाई करके हम चेक कर लेंगे कि वहाँ क्या रह गया, कि किस कारण से ये फिर से सड़कें बैठ रही है, उसको देख कर दुरुस्त कर दिया जाएगा। स्थान पे खड़े हैं, यहाँ पे लगभग कहा गया तो 10 बार से ज़्यादा जो है ना गड्ढे इस तरह से गड्ढे हो गए हैं, और विभाग के द्वारा जो है सिर्फ खाना कुछ कर करके कुछ मलबे डाल करके जो है इसे फाड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही नज़र आ रही है कि उसको नहीं किया जा रहा है। विभाग की थोड़ी लापरवाही है, काम तो जैसे मान लीजिए कि कल से गड्ढा हुआ, कल से बैठना शुरू हुआ, तो उसको 1 हफ्ते 10 दिन में विभाग द्वारा निस्तारण इसका कर देना चाहिए। अधिकारियों को तुरंत नॉलेज में डाल दिया गया था, लेकिन ये क्यों 1 महीने से टाल रहे हैं ये समझ से परे है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसको जल्दी कराइए, अभी 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी इसको पार्षद जी हाथ लगवा के काम करवा करके इसको खत्म करा दूंगा। मंत्री जी की सड़कों में है, मंत्री जी के संज्ञान में है क्या ये बात? मेरे द्वारा तो मंत्री जी के संज्ञान में नहीं डाला गया था। अब क्या विभागीय जो लापरवाही है उसके लिए मंत्री जी से आप कार्रवाई के लिए बोलेंगे क्या? अगर विभागीय ये लापरवाही है, विभाग से कह गया है अगर ये 2-4 दिन में काम नहीं लगाएंगे तो इनके खिलाफ FIR मैं कराऊंगा। अभी क्या कहा जा सकता है कि ये जो बड़े हैं कहीं कोई बड़े हादसे का इंतजाम कर रहे हैं? निश्चित ही अगर समय से काम नहीं होगा तो कोई बड़ा हादसा घट सकता है, हो सकता है। मैं नीरज कुमार सिंह, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई जल निगम का JE हूँ। नीरज जी, ये समस्या कब से है और कितनी बार आपको हैरान होना पड़ा इस समस्या के कारण? अब क्या करें, ये आज के लिए इतनी दिक्कतें हो गई है कि सरकार जो है न तो पेमेंट करिए, जो काम किया हुआ है, जो कंपनी काम की है उसका ही पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ तक कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी किसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है क्या समस्या, यहाँ कितनी बार आपको मलबा डालना पड़ा और मलबा कितने का डल चुका अभी तक? लेकिन मलबा डल जा रहा है, लेकिन हम लोग जब सीवर चेक कर रहे हैं, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में चेक करो, सीवर सही चल रहे, उसमें मलबा जा ही नहीं रहा, अगर मलबा जाता तो सीवर जाम हो जाती, सीवर तो अभी तक जाम हुई नहीं है। कितनी बार फंसी और कितनी बार आपको भाग के आना पड़ा, मलबा डलवाना पड़ा? देखिए, धंसने का तो पिछले 1 महीना से जब भी बारिश पड़ रही है थोड़ा बहुत बैठ जा रही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा देखने बैठ गई है, थोड़ा बहुत देख ली थी आता ज़्यादा बैठ गई है। इस तरह से अगर आप बात कह रहे हैं कि विभाग में पैसा ना होने के कारण ये समस्या है, देखिए विभाग में पैसा की बात कर रही है और इस तरह की समस्या है तो कैसे स्मार्ट सिटी में बनाएगी? तो सरकार की सोच मत है, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं और इस विभाग को जो ये काम कर रहे हैं उसको पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं। पेमेंट नहीं हुआ 1.5 साल से, पेमेंट नहीं हुआ है, जो भी काम किए, जो कंपनी काम किया उसका अभी तक हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे। आज क्या समस्या समझ में आ रही है? अब आज चेक करवा रहे हैं हम ये कंपनी, आज जो मौके पे स्थिति दिख रही है ये कैसी स्थिति है, कितना बारिश जो पड़ गई है, बहुत जोर से कल बारिश पड़ी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गया, बैठ गई है, वही चेक करवा ले रहे हैं आप। सड़क धसी हुई है? हम तो देख रहे हैं, एक जगह और धसी हुई है, गणपति गोल बाजार के सामने भी धसी है, वहाँ भी देख ले रहे हैं, यहाँ भी देख ले रहे हैं, जो भी होगा। कितने फीट नीचे धसा है? लगभग 1.5 मीटर धसा है, ज़्यादा धसा नहीं, 1.5 मीटर। हाँ, 1.5 मीटर। ये बताइए, आसपास के लोग कह रहे हैं कि आप इतने कर्मठ हैं कि रोज आते हैं, रोज फोटो खींच के जाते हैं। देखिए, अब कर्मठ रहने से क्या, डेली हम आते हैं देखते हैं, लेकिन जब तक ठेकेदार उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से इनको बालू भर पाएंगे? खींचने का उद्देश्य क्या है? हम भी ऊपर कहते हैं, लेकिन हम भी मजबूर ऊपर बताते हैं, ऊपर वाले मजबूर हैं, वो भी ऊपर बताते हैं, जब तक पेमेंट नहीं होगा तो कैसे काम होगा? नीरज जी, लास्ट सवाल, हाँ, क्या ये जिस तरीके से नाली के किनारे सड़क धस रही है, क्या मकान को भी खतरा है, मकान भी बैठ सकता है क्या? हाँ, एकदम बैठ सकता है, बैठेगा, इस तरह तो मकान ही बैठ सकती है।
आस पास के लोग आशंकित हैं, क्या इसकी जानकारी आप विभाग को दे चुके हैं कि मकान भी बैठ सकता है? डेली देते हैं, हम तो डेली आते हैं, देखते हैं, डेली ऊपर हम रिपोर्ट करते हैं। विभाग जो है किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? अब इंतजार तो नहीं कर रही है, अब दुर्घटना कुछ भी हो, कभी भी हो सकती है, इसका तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। तैयार हो जाएगा? अब हम भी फोटो खींच के अपने अधिकारी को भेज चुके हैं, उधर से जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी प्रोजेक्शन में हम काम करेंगे। मतलब आज भी फोटो खींच जाएगी? हाँ, फोटो खींच करके हम भेज दिए अपने अधिकारी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को, अब वो देखते हैं क्या कहते हैं, उसके अनुसार हम काम करेंगे, कहेंगे भर दे तो भर देंगे। सर क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। सर ये आप यही के निवासी हैं, कौन सा क्षेत्र है? ये शिवपुर क्षेत्र सर, शिवपुर पाठ पंडवा का लगता है। सर ये सड़क के गड्ढे किस तरह से? सड़क के गड्ढे तो करीब एक महीने से ये चल रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत होता है कोई ठेकेदार आता है अपना दो दिन काली माटी डाल करके ऊपर करके चला जाता है, और ये समस्या है, ये नाली का पानी अंदर सीवर में गया है, अंदर बालू पड़ा हुआ सब भर करके गड्ढे सड़क खोली हो गई है, जब भी ओवरलोड या कुछ तरह के वाहन आते हैं तो सड़क धस जाती है, और आज के समय देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है कि कब कौन गड्ढे में गिर जाएगा कुछ पता नहीं। कैसे आप लोगों का जीवन यापन हो पाता है, किस तरह से मंजिल की ओर निकल पाते हैं आप लोग का? और सवाल इस बात का है कि हम इसमें कर भी क्या कर सकते हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। इन समस्याओं के बारे में किसी को अवगत कराया गया है? स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से अवगत कराया है, कभी अवगत कराने के बाद ही लोग आते हैं, लेकिन जिस ढंग की इसमें समस्या का समाधान होना चाहिए उस ढंग से समाधान नहीं हो पाता, जिससे कि कुछ दिन बाद फिर समस्याएं यथावत हो जाती है। मैं हरेंद्र जायसवाल, व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी गड्ढे हैं पूरे शिवपुर बाजार में, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। लगता है कि जैसे ये मोदी जी के एरिया से अलग जैसे है एरिया, एकदम शिवपुर बाजार लिंक रोड उपेक्षित कर दिया गया है, सारे मंत्री अधिकारी बाईपास से चले जाएंगे, शिवपुर बाजार की तरफ उनकी कभी निगाह ही नहीं जाती है, जिसका परिणाम ये है कि आज पूरा मकान गिरने के कगार पर है। अब मजबूर होके शिवपुर के सारे व्यापारी रोड पर उतरे हैं, और जब तक ये गड्ढा मुक्त नहीं होगी शिवपुर व्यापार मंडल एकदम पूरा एकदम साथ में खड़ा है, और इसको गड्ढे को पटवा के ही पीछे हटेगा। लगातार अगर देखा जाए तो जिस जगह पे जिस स्थान पे भी आप खड़े हैं, जब ये कहा जाता है कि अगर जनता अगर गूंगी हो जाती है तो सरकार अंधी और बहरी हो जाती है, यहाँ के व्यापारी जो है सरकार की आँख खोल ले और उनका कान खोलने का काम करेंगे, इसलिए आज जो है ये रोड जाम करके व्यापारी लोग, जब तक सरकार ये काम नहीं करेगी तब तक लगातार जाम रहेगी।